आज की ये जो वीडियो है ये अपनी होने वाली है पोस्टीरियर करेनियल फोसा के बारे में, और मैं आपको अपनी पहले की दो वीडियो में पहले ही अपना इंटीरियर करेनियल फोसा और मिडिल करेनियल फोसा बता चुका हूं, और इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो आज अपन पूरा इस पोस्टीरियर करेनियल फोसा के बारे में डिटेल में जानते हैं, और मेनली इसके भी सिर्फ फोरामेन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के अपन वीडियो शुरू करते हैं। अपने पीछे की तरफ जो बड़ा फोसा है उसे अपन बोलते हैं पोस्टीरियर करेनियल फोसा, और ये कितनी बोन से मिलकर बनता है तो टोटल अपनी है चार बोन से मिलके बनता है। सबसे पहले अपने पोस्टीरियर में पूरी ऑक्सीपिटल बोन, देन अपनी है दो पैराइटल बोन, फिर अपना है टेम्पोरल बोन, और स्पिनोइड बोन है ना अपनी, उसके ग्रेटर विंग्स है, तो स्पिनोइड बोन से मिलके बन रहा है। तो टोटल इसके अंदर अपनी आती है चार बोन्स। फिर अपन छोटी सी इसके फटाफट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो टोटल अगर आप फीचर में देखो अपने यहाँ पे मीडियन में, मतलब इस पूरे करेनियल फोसा के बीचों बीच दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं। सबसे पहले यहाँ पे बड़ा सा फोरामेन है, उसे अपन बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखो, आपको ये स्मूथ सी सरफेस दिखाई दे रही होगी, ये दिख रही है, तो इस स्मूथ सरफेस को अपन बोलते हैं क्लाइबस। तो टोटल अगर अपन देखें पोस्टीरियर करेनियल फोसा के मीडियन वाले पार्ट में, एक अपना होता है क्लाइबस वाला पार्ट और एक अपना होता है फोरामेन मैग्नम। फिर अपन बात करें इसके ऑक्सीपिटल वाले पार्ट में, मतलब ये जो पूरा इसके ऑक्सीपिटल बोन है ना वहां पे, तो टोटल अगर आप देखो इसके ऑक्सीपिटल वाले पार्ट में सबसे पहले इसके अंदर रहता है इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट। अगर आप ये देखो, ये आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन में, तो इसे ही अपन बोलते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट। इंटरनल इसलिए क्योंकि अपने स्कल बोन के अंदर की तरफ है और ये ऑक्सीपिटल बोन में है। उसके बाद यहाँ पे है इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, तो जस्ट इस इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट के ऊपर ये अपना है इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और इसी इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के अगर आप साइड में देखो, ये आपको दिख रहा है हल्का सा, यहाँ पे आपको एक ग्रूव दिख रहा होगा दोनों साइड, तो एक्चुअली में ये अपना ग्रूव होता है ट्रांसवर्स साइनस के लिए। तो ये है अपना ट्रांसवर्स साइनस का, वही ट्रांसवर्स साइनस आगे जाके अपना बन रहा है सिग्मॉइड शेप का, तो ये है अपना सिग्मॉइड साइनस का अपना ये पूरा ग्रूव। तो टोटल यहाँ पे एक था इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट, देन इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और ये अपना ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड साइनस का ग्रूव। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे दो आपको फोसास भी दिख रहे होंगे, ये अपने है सेरेबेलर फोसा, और इसी सेरेबेलर फोसा में अपना प्रेजेंट होता है पूरा सेरेबेलम। फिर अपन बात करते हैं अपना जो टेम्पोरल बोन जो है ये वाला, उसका ये जो एलिवेशन आपको दिख रहा है अंदर की तरफ, इसे अपन बोलते हैं पेट्रोस पार्ट। तो इस टेम्पोरल बोन के पेट्रोस वाले पार्ट के पोस्टीरियर सरफेस में आपको मेनली ये सिर्फ दो इंपॉर्टेंट फीचर याद करने हैं। एक यहाँ पे होता है मियाटस, उसे अपन बोलते हैं इंटरनल ऑडिटरी मियाटस। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये अपना है पेट्रोस वाला पार्ट, और इसकी पोस्टीरियर सरफेस में यह आपको एक फोरामेन दिख रहा है, इसे अपन बोलते हैं इंटरनल ऑडिटरी मियाटस, और उसके जस्ट साइड में पीछे की तरफ आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही होगी, उसे अपन बोलते हैं एक्वाडक्टो वेस्टिब्यूल। तो ये यहाँ पर सिर्फ दो इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखने हैं। फिर अपन बात करते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि अपना है फोरामेन वाला पार्ट। तो टोटल मैं आपको बताऊं, सबसे पहले यहाँ पर अपन देखेंगे इंटरनल ऑडिटरी मियाटस को, जो मैंने आपको बताया ये होता है। तो इस इंटरनल ऑडिटरी मियाटस में मेनली अपनी चार स्ट्रक्चर यहाँ से पास करते हैं। सबसे पहले अपना फेशियल नर्व, देन वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, देन नर्वस इंटरमीडियस और इंटरनल ऑडिटरी वेसल्स। फिर अपन देखते हैं अपने जुगलर फोरामेन को, तो जस्ट अपने इंटरनल ऑडिटरी मियाटस के जस्ट नीचे ये वाला जो फोरामेन है ना, इसे अपन बोलते हैं जुगलर फोरामेन। और जुगलर फोरामेन के टोटल अपने होते हैं तीन पार्ट, आपको साइड में पिक में भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसके इंटीरियर वाले पार्ट से अपना इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस पास करता है, देन इसके मिडल वाले पार्ट से अपना 9, 10 और 11th करेनियल नर्व्स पास करते हैं। अगर आप पिक में देख पा रहे हो तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जो 10th और 11th करेनियल नर्व जो है, इसमें अपना कॉमन शीथ है, आप देख पा रहे हो ना, इन दोनों में कॉमन शीथ है ड्यूरा मैटर की, वही 10th की अपनी एक इंडिपेंडेंट शीथ होती है। वही अपन बात करते हैं इसके पोस्टीरियर वाले पार्ट में, यहाँ से सिर्फ अपना पास करता है सिग्मॉइड,
साइनस। देन अब अपन देखते हैं इसके दूसरे फोरामेन। तो फिर यहाँ पे अपना एक है हाइपोग्लॉसल कैनाल, तो मैं आपको दिखाऊँ हाइपोग्लॉसल कैनाल। तो ये जो बड़ा सा फोरामेन मैग्नम है ना, उसी के जस्ट साइड में ये जो कैनाल दिख रही है ना आपको, मैं थोड़ा और ऊपर लाता हूँ आपको, ये देखिए हाइप, ये फोरामेन मैग्नम के जस्ट साइड में इस कैनाल को अपन बोलते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल। और हाइपोग्लॉसल कैनाल से अपना क्या पास करता है, यहाँ पे अपना पास करता है हाइपोग्लॉसल नर्व और मेनिंजल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। फिर यहाँ पे अपन बात करेंगे पोस्टेरियर कॉन्डाइलर कैनाल को, तो ये आपको ना यहाँ से नहीं दिख पाएगा आसानी से। मैं अगर आपको पीछे से दिखाऊँ तो ये जो अपने दोनों कॉन्डाइल हैं उसके जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे कैनाल है, उसे अपन बोलते हैं पोस्टेरियर कॉन्डाइलर कैनाल। और यहाँ से अपना इमेजिनरी वेंस और मेनिंजल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी जो है पास करती हैं। फिर अपन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोरामेन जो कि अपना है फोरामेन मैग्नम, इसको अगर अपन डिटेल में देखें तो टोटल होता क्या है, ये जो फोरामेन मैग्नम है ना, ये अपना दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। मैं आपको बताऊँ क्या होता है, यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है इस तरीके से, तो उस लिगामेंट के कारण यहाँ पे दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं, इंटीरियर में इंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर में अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो इसके इंटीरियर कंपार्टमेंट में अपने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेन है, एक एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस और अपर बैंड ऑफ क्रूसीफॉर्म लिगामेंट ऑफ एटलस। फिर अपन इसके पोस्टीरियर वाले पार्ट की बात करें, वाले पार्ट में अपना होता है मेडुला जो कि आगे जाके अपना स्पाइनल कॉर्ड बनता है, देन टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, टू वर्टिब्रल आर्टरी, स्पाइनल रूट ऑफ टू एक्सेसरी नर्व, सिंपैथेटिक प्लेक्सस और अपनी कम्युनिटिंग वेंस बिटवीन टिब्रल वीनस प्लेक्सस और बेसिलर वीनस प्लेक्सस। तो ये पूरा मैंने आपको पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा के बारे में डिटेल में बता दिया। सो ये अच्छे तरीके से आपसे कंटेन याद कर लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फोरामेन मैग्नम ही इससे आपको वायवा में पूछेंगे, और ये पूरे चार्ट आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।